जिला मुंगेली से सतनाम पदयात्रा पामगढ़ पहुंचा। सतनामी समाज ने किया भव्य स्वागत। 25 अक्टूबर को मुंगेली जिले से निकाली गई सतनाम संदेश पदयात्रा चौथे दिन पामगढ़ पहुंचा, जहां अंबेडकर चौक पर सतनामी सूर्यवंशी समाज पामगढ़ द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सतनाम पदयात्रा आगे बढ़ते हुए पामगढ़ के सतनाम भवन पहुंची, जहां पर जय स्तंभ पर पूजा अर्चना कर भोजन प्राप्त कर रात्रि विश्राम किया गया। पदयात्रा में शामिल मुंगेली समाज के लोगों ने बताया कि पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य गुरु घासीदास बाबा जी के बताए मार्ग मानव मानव एक समान के संदेशों को पूरे समस्त जनमानस और मानव जीवन में इसके प्रचार और आत्मसात करने के लिए यह पदयात्रा प्रारंभ किया गया है। यह पदयात्रा 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर को गिरौदपुरी में समापन होगा। इसके बाद शनिवार सुबह पदयात्रा गिरौदपुरी धाम के लिए रवाना हुआ। यह यात्रा 30 अक्टूबर को गिरौदपुरी धाम पहुंचेगी। यह सतनाम संदेश यात्रा मुंगेली जिले से होकर तखतपुर बिलासपुर मस्तूरी मुलमुला पामगढ़ से लेकर गिरौदपुरी धाम गुरु घासीदास बाबा जी के स्थल पहुंचेंगे। बताएंगे कहाँ से यात्रा आ रही, कहाँ तक जाएगी? बोलो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। समस्त सतनामी समाज जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के आह्वान से यह पदयात्रा दवपारा मुंगेली से प्रारंभ किया गया, जो कि तखतपुर बिलासपुर मांतवाड़ा मस्तूरी और आज जो चौथा पड़ाव है पामगढ़ में पहुंचा है। और यह जो पदयात्रा है गुरु घासीदास बाबा जी के जन्म स्थली धाम गिरौदपुरी धाम पर यह 30 अक्टूबर 2022 को समापन हुआ। बाबा जी का आशीर्वाद और दर्शन लेंगे। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य बाबा जी का मानव मानव एक समान संदेश को पूरे समस्त जनमानस में मानव जीवन में इसके प्रचार के लिए आत्मसात के लिए यह पदयात्रा प्रारंभ किया गया है, जो कि 25 अक्टूबर 2022 से 30 अक्टूबर 2022 तक के लिए यह पदयात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम चेतन दास कुरे, सतनामी समाज जिला मुंगेली। बताएंगे क्या कार्यक्रम? मैं डबरू प्रसाद मनहर, पूर्व जिला अध्यक्ष जहांगीर चापा। हमारे आगंतुक अतिथि सतनामी समाज के जो पद यात्रा में आए हुए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और हम समाज के लोग अपने पामगढ़ इकाई की ओर से हमारे बाबा गुरु घासीदास के विचार को मनखे मनखे एक समान के विचार को लेकर के निकले हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग लोगों का जो उद्देश्य है उनके विचार को विभिन्न समाज में कैसे फैलाएं, ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकले हैं। तो हम हृदय से आभारी हैं समाज का और बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। साथ ही हमें उनके साथ में चलने की आवश्यकता है ऐसा महसूस करते हुए हम आज उनके स्वागत में यहाँ खड़े हुए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय से आभारी हूँ मैं पामगढ़ की ओर से, जिला जहांगीर की ओर से।